जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान स्वैट 24। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं CET BEd नामांकन 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर शेड्यूल क्या जारी किया गया है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और BEd से रिलेटेड या ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड अगर आप जानकारी हरफल चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए काउंसलिंग शेड्यूल फॉर CET BEd 2021 से शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, देखिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ कॉलेज रेफरेंस, तो 9 से आपको 12 तक ये करना था, ठीक। उसके बाद डिस्प्ले कर दिया है अलॉटेड 18 को, यानी कि 2 दिन पहले ये डिस्प्ले कर दिया कि कौन से कॉलेज अलॉटेड हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये करना है, जो आपका सीट कन्फर्म हुआ है उसका पेमेंट 3000 करना है 19 से लेकर 25 तक, ठीक है। 19 से लेकर 25 तक आपको 3000 रुपये का पेमेंट कर देना है। कैसे करना है इसका वीडियो आएगा बहुत जल्दी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ कि पेपर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन आपको जाकर कराना है 22 से लेकर 29 के बीच कॉलेज में, ठीक है। इन केज वैकेंसी ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए ये बताया गया है कि अब देखिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग का डेट आएगा 1 से लेकर 4, मतलब 1/10 से लेकर 4, फिर उसका अलॉटेड आपको डिस्प्ले हो जाएगा 4 तारीख को, फिर आपको पेमेंट करना होगा 3000 रुपया, जिसका मतलब सेकेंड राउंड के लिए ये बता रहा हूँ मैं। अगर पेपर वेरिफिकेशन आपको एडमिशन के लिए 16 से लेकर 23 के बीच जाना होगा। और ये स्पॉट देखिए दो ही आपका क्या होगा, ये आपका काउंसलिंग होगा, ठीक। सेकेंड के लिए आपको स्पॉट एडमिशन कराना होगा 25 से लेकर 30 के बीच, किसी भी कॉलेज में जाकर जहां आपका संपर्क हो या आप करा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये देखिए इसका PDF मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको डाउनलोड करके रख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्या शेड्यूल जारी होगा और क्या अपडेट होगा BEd से रिलेटेड आपको नेक्स्ट अपडेट बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।